नमस्कार, आप सबका स्वागत है। सीमा सुरक्षा बल BSF के जवान नीलेश ढाकर निवासी घिचलाई-देवास की श्रीनगर में दुर्घटनावश गोली चलने से मौत हो गई। घटना एक दिन पूर्व की बताई है। BSF घटना की आंतरिक जांच कर रहा है। देवास कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया, सेना के अधिकारियों ने एक्सीडेंटल फायरिंग में मौत की जानकारी दी है। बरोठा के उसके करीबी मित्रों ने बताया, 6 साल पूर्व सेना में चयनित नीलेश की सगाई 1 साल पूर्व हुई थी। 28 अप्रैल 2018 को शादी थी। नीलेश के दोस्त ने बताया कि 6 साल पहले उसने और मैंने भीम सिंह साथ में सेना में चयन की परीक्षा दी थी। मेरी जन्म तिथि 1991 की मार्कशीट में होने से बाहर हो गया, पर नीलेश चयनित हुआ। 3 माह पूर्व वे छुट्टी लेकर आया था। उसकी अगले साल 28 अप्रैल को बरखेड़ासम्मा की लड़की से शादी होने वाली थी। उसकी 15 दिन की छुट्टी साल की बची थी, पर वह शादी में इकट्ठा आने की बात कहकर नहीं आ रहा था। एक दिन पहले ही रात में उससे फोन पर शादी के लिए वीडियो शूटिंग वाले से बात करने की चर्चा हुई और उसने मुझसे कहा कि तुम ही अरेंज कर लेना। वह कहता था कि अब आर्मी को पूरी छूट दे दी गई है, बहुत अच्छी स्थिति है। सुबह बाद तो उसके शहीद होने की खबर आ गई।